हेलो फ्रेंड्स, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग को कई तरह की रोग लग जाते हैं। इनमें से एक आम सा रोग हो गया है भूलना। लोगों को भूलने की आदत या बीमारी होने लगी है। पहले लोगों को इस समस्या का सामना उम्र बढ़ने के बाद करना पड़ता था, लेकिन आजकल कम उम्र के बच्चों को भी यह समस्या हो रही है। अहम बात यह है कि लोग पहले छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते और बाद में यह बढ़कर अल्जाइमर या डिमेंशिया बीमारी का रूप ले लेती है। लेकिन इस समस्या के पनपने के पीछे क्या कारण है, ये आपने जानने की कोशिश जरूर की होगी। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आया हूँ इन सारे समस्याओं का जड़, क्या कारण है कि हम भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रिंकेश कुमार, और आप देख रहे हैं YouTube चैनल स्टडी मोशन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे मेन कारण होता है तनाव। देखा गया है फ्रेंड्स कि लोगों में ज़्यादा तनाव या डिप्रेशन के कारण भूलने की बीमारी होने लगती है। तनाव या डिप्रेशन से जुड़े हार्मोन न्यूरॉन्स ब्रेन कोशिकाओं के काम को धीमा करके भूलने का खतरा बढ़ाता है। अधूरी नींद, ये तो हर कोई जानता है कि एक दिन में शरीर के लिए कम से कम 7 से 8 घंटों की नींद लेनी चाहिए, लेकिन आजकल काम और अपने लाइफस्टाइल के कारण लोग नींद पूरा नहीं कर पाते हैं। नींद पूरी न होने के कारण दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में लोग धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगते हैं, जो बाद में बढ़कर अल्जाइमर का रूप ले लेती है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, धूम्रपान भी एक सबसे बड़ा कारण है। शराब और सिगरेट शरीर के लिए बेहद हानिकारक होता है। इसके इस्तेमाल से जहां शरीर के कई अंग खराब होते हैं, वहीं ये भूलने की बीमारी का भी कारण बनता है। फ्रेंड्स, B12 की कमी के कारण भी हम भूलने लगते हैं। शरीर को स्वस्थ रहने और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। शरीर में इन विटामिन की कमी होने के कारण मेमोरी लॉस, भूलना, चिड़चिड़ाहट और तनाव जैसी समस्या होती लगती है। यही बाद में डिमेंशिया का कारण बन जाता है। फ्रेंड्स, ज़्यादा दवाइयों का सेवन करने से भी हम भूलने लगते हैं। हर छोटी से छोटी समस्याओं के लिए आजकल लोग दवाइयाँ लेने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ज़्यादा दवाइयों का सेवन करना भूलने की बीमारी का कारण हो सकता है। सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा कि बिना एंटी डिप्रेशंस, नींद की गोलियों, दर्द के लिए दवाएं और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एस्टेटिन का सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा टेंशन लेने से भी हम भूलने लगते हैं। काम के कारण लोग जल्दी तनावग्रस्त होने लगे हैं। ऐसे में वो परेशान होकर चीज़ें भी भूलने लगते हैं। तनाव बढ़ने से दिमाग का हिप्पोकैम्पस कमज़ोर हो जाता है, जो याद रखने की क्षमता को कमज़ोर करता है। इससे बचने के लिए योगा और व्यायाम करें और अच्छा खाना खाएं। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कैसे बचा जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, बचने के भी उपाय हैं। खाने में बादाम और ड्राई फ्रूट शामिल करें, इससे हम भूलने की बीमारी को कम कर सकते हैं। हरी सब्जियां जैसे फलियां या साबुत अनाज, मछली, जैतून का तेल और फल खाने से भी दिमाग तेजी से होता है। भले ही उम्र बढ़ रही है, लेकिन अपना काम खुद करना चाहिए, इससे अल्जाइमर रोग होने का खतरा कम होता है और याददाश्त भी तेज होती है। फ्रेंड्स, ग्रीन टी पीने से भूलने की बीमारी के दौरान दिमाग में बढ़ने वाले जहरीले बीटा एमिलॉयड नामक प्रोटीन का प्रभाव कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉपिक भूलने के ऊपर जो आज मैंने बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपके भी मन में कोई ऐसा सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछें, हम लेकर आएंगे आपके सवाल का उत्तर। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद।